सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच असीं तुहानूं एक गधे की कहानी सुनावांगे जिहड़ी साडी जिंदगी विच बहुत काम आवेगी, कई मुश्किलां नूं हल कर जावेगी। सो हथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, गल प्राचीन समय की आ, बहुत पुराने समय की आ, जदों एक गांव दे विच एक गधा रहा करदा सी। उस पिंड दे विच ना तो कोई आउंदा सी ते ना ही जांदा सी, ते ओ कला गधा ही उस पिंड दे विच घूमदा रहिंदा, घा चर के ओ अपना गुजारा करदा रहिंदा। इस तरह ही काफी समा गुजर गया। एक बार उस गधे ने सोचिया कि क्यों ना मैं इस पिंड विचों बाहर निकल के बाहरली दुनिया देखा, कुदरत दे नजारे देखा कि बाहरली दुनिया किदां दी है, की कर रही है। यही सोच के वह गधा अगले दिन सवेरे तड़के ही अपने उस पिंड दे विचों बाहर निकलिया ते जंगल वालों तुर पिया। हुण वह जंगल विच बड़ गया, घूमदा घूमदा तुरदा तुरदा। एक दो दिन दे बाद वह जंगल दे विचों निकल गया, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा सी, उहनूं पार करदिआं दो दिन लग गए ते वह जंगल दे विचों बाहर निकल आया। जिदा ही वह जंगल विचों बाहर आया पिछे शोर पै गया कि एक गधे ने बहुत बड़ा जंगल पार कर लिया है ते वह जंगल विचों बाहर चला गया है। बहुत सारे ये गल्लां करन लग पे कि गधा किन्ना किस्मत वाला है कि जेड़ा उस जंगल नूं पार कर गया ते हुण उहदी जिंदगी बड़ी वधिया होवेगी, वह हसी खुशी अपनी जिंदगी नूं बतीत कर रहा होवेगा। इन्हां सारियां गल्लां नूं ही एक कुत्तिआं दा झुंड सुन रहा सी। उन्हें यह गल्लां सुन के सोचिया कि गधे की तरह असी भी इस जंगल नूं पार करांगे ते बहुत वधिया जिंदगी नूं बतीत करांगे। हुण कुत्तिआं दी सुंघण दी शक्ति बहुत ज़्यादा हुंदी आ, वह सुंघदे सुंघदे गधे की पैड़ नूं दबदे दबदे वह भी उस रास्ते राही जंगल दे विचों बाहर निकल गए। जदों पिछे पता लगा कि वह कुत्ते भी जंगल पार कर गए आ ते पिछे जीव जंतु लोगों के बीच होड़ मच गई कि जे वह जंगल पार कर सकते हैं तो असी भी इस जंगल नूं पार कर सकते हैं। हुण जंगल नूं पार करन दी होड़ लग गई, सारे ही उस जंगल नूं पार करना चाहते सन। हुण जिस रोड दे राही जां सड़क दे राही वह जीव जंतु पशु पक्षी जां लागे छागे दे लोग जाया करते सी, हौली हौली उत्थे इक पगडंडी बन गई। उधर सरकार ने फैसला कर लिया कि असी जंगल दे विचों एक सड़क बनावांगे, तां उत्थे दे लोकां ने सरकार नूं दस्सिया कि इस जंगल दे विच इक पगडंडी है, जेकर तुसी उहदे ते ही सड़क बना देवो तां साडे लोकां वास्ते जीव जंतुआं वास्ते बहुत चंगा होवेगा। सरकार दे इंजीनियर उस जंगल विच पहुंचे, आले दुआले दे लोकां नूं इकट्ठे कीता ते पुछिया कि तुसी इस पगडंडी ते ही रस्ता क्यों बनाउणा चाहुंदे हो। तां लोकी कहिण लगे कि इत्थे आसानी दे नाल रस्ता बन जावेगा, क्योंकि अद्धा रास्ता तो पहला ही बनया होया है। तो इंजीनियर ने पूछा कि यह रास्ता किसने बनाया है, तो उन्होंने विचों सब तो ज़्यादा बुजुर्ग इंसान ने कहा कि गल बहुत पुराने समय की है, जिदा सानू दसिया गया है कि यह रास्ता ये पगडंडी एक गधे ने बनाई है। लोगों की यह गल सुन के इंजीनियर बोलिया कि मैनू बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई आ कि यह रास्ता एक गधे ने बनाया है, बल्कि इस गल ते ज़्यादा हैरानी हो रही आ कि तुसी भी सारे कह रहे हो कि जिस रास्ते नूं गधे ने बनाया है तुसी उसे रास्ते ते पक्की सड़क बना दिओ, जबकि ये ज़्यादा संभव नहीं आ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा अते बहुत ज़्यादा औखा है, कठिन है। जबकि ये उल्ट इंजीनियर कहन लग्या सी कि इदां दा रास्ता लभिया है जिहड़ा छोटा अते बहुत ही आरामदायक है, जिहदे ते चल के तुसी बहुत ही आसानी दे नाल बड़े आराम दे नाल जंगल नूं पार कर सकते हैं ते दूसरे पिंडां ते शहरां तक पहुँच सकते हैं। उन्हां इंजीनियरां दी गल सुन के वह लोकी कहन लगे कि गल तो सही आ, असी हुण पछताउंदे हाँ कि जेकर असी सदियां पहलां ही ये गल सोच लैंदे ते दूसरियां दे बनाए रास्ते ते ना चल के अपना खुद दा रास्ता बनाउंदे सौखा ते आसान तां सानूं किन्ना चंगा हुंदा। असी उस गधे दे द्वारा बनाए गए रास्ते ते यकीन कर लिया, अपनी काबिलियत ते यकीन नहीं कीता कि इस तों भी छोटा आरामदायक ते सौखा रास्ता भी बनाया जा सकदा है। सो इस कहानी तो सानू यही वड्डी सिक्ख्या मिलदी आ कि आपां भी सोचिए कि असी अपनी जिंदगी दे विच जो भी काम कर रहे हाँ कि इन्हां कम्मां नूं होर ज़्यादा सौखा आसान ते आरामदायक बनाया जा सकदा है।
किते असी किसे गधे दे द्वारा बनाए गए रास्ते ते किसे दे द्वारा दसे हुए रास्ते ते नहीं चल रहे हाँ कि असी जो साड़ी जिंदगी विच गुजर रहा है इन होर ज़्यादा सौखा ते आरामदायक बनाया जा सकता है। असी ये बिल्कुल नहीं सोचते ते दूसरियां दे पिछे लग के असी उसे तरह ही चल पैने हाँ जबकि ये उल्ट असी अपनी जिंदगी नूं आसान भी कर सकते हाँ खुशदायक कर सकते हाँ अमीर हो सकते हाँ। बस थोड़ी जी सोचण दी लोड़ हुंदी आ समझण दी लोड़ हुंदी आ अपने ते यकीन करन दी लोड़ हुंदी आ अपनी काबिलियत ते यकीन करन दी लोड़ हुंदी आ तां असी अपनी जिंदगी नूं बहुत ही सौखी ते आरामदायक बना सकते हाँ। इह साडे ही हत्थ वस हुंदा है सो अपने ते यकीन रखो अपनी काबिलियत ते यकीन रखो जिंदगी नूं आपां आसान बना सकते हाँ सुखी बना सकते हाँ। सो इसे तरह दीआं होर मजेदार मोटिवेशनल स्टोरियां सुन ले इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो।